जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 15 समस्याएं रखी गई और श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने लगभग 12 समस्याओं का मौके पर ही निपटान किया गया। यहां पर कई अधिकारियों को यूं कह सकते हैं लताड़ा गया, कई अधिकारियों के खिलाफ एक्शन मोड में श्रम एवं रोजगार मंत्री दिखाई दिए। बिजली विभाग के एक्शन सुनील रंगा के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करने के आदेश आप देख सकते हैं। यहाँ पर जिला परिवार निवारण समिति की जो बैठक में लगभग हम ये कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से भी समस्याएं रखी गई और जो कष्ट निवारण समिति के सदस्य थे वो भी कहीं न कहीं असंतुष्ट दिखाई दिए। यहाँ तक कि सुनील वर्मा नंबरदार ने पले स्कूलों की बात को भी सामने रखा, जो आंगनबाड़ी से मर्ज होकर के पले स्कूल बनाए गए हैं उनमें किसी भी प्रकार की सुविधा न होने की बात रखी गई है। यहाँ तक कि बिजली का पंखा तक भी उपलब्ध नहीं किया गया। हम ये कह सकते हैं लगभग जेजेपी के जिला प्रधान वो भी असंतुष्ट दिखाई दिए, उन्होंने भी काफी शिकायतें रखी जिस पर मंत्री ने संज्ञान लिया है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं लोहारू से संबंधित भी विजय शेखावत जो कष्ट निवारण समिति के सदस्य हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी, वो भी किसी न किसी रूप में असंतुष्ट दिखाई दिए। गोचर भूमि का मामला उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा गोचर भूमि को जो मामला है उसको दबाया जा रहा है। संबंधित एसडीएम और अन्य अधिकारियों की एक मीटिंग यानी कि एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी जांच करेगी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं आज जो श्रम एवं रोजगार मंत्री एक्शन मोड में दिखाई दिए और मंत्री ने मौके पर ही कई अधिकारियों को लताड़ा, डीसी और एडीसी एसपी को सख्त आदेश दिए कि किसी के प्रकार की किसी भी प्रकार की यदि लापरवाही दिखाई देती है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और अगली बैठक में उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या किस प्रकार की एक्शन लिया गया वो भी बताया जाए। श्री अनिल कुमार सुपुत्र श्री भरत सिंह निवासी गांव सहज कला तहसील लोहारू श्रीमान खंड निवास पंचायत अधिकारी में ऐसे सबक की दर्शन शिकायतकर्ता यदि उपस्थित है तो कृपया मंसरा के पास आकर की उनकी शिकायत माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत करती होती है। सर वो वेरीफाई हम पब्लिक हेल्थ से करवाते हैं और पब्लिक हेल्थ वेरीफाई करने के बाद सर पंचायत से जो रेजुलेशन होता है उसको हम उनकी पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट सर हम टाइमली कर रहे हैं। जी सर, सर इससे ऐसा कोई इश्यू है नहीं। आपके आदेश हुए थे कि हमें दूसरी जगह ढूंढने के लिए सर, तो हमने सर दूसरी जगह ढूंढने के लिए भी सर और वहां पे काम शुरू भी हो गया सर। एक्शन साहब के से टेंडर बुला के सर काम शुरू हो चुका है, मेरी खुदाई हो गई है सर। हमारा शिविर का है वर्षा के दिनों में जितने भी शिविर हमें 25% हालों के अंदर पानी सड़कों पर मिलता है, लोगों का ध्यान बिल्कुल हाल हो गया जी। वर्षा के दिनों के अतिरिक्त यदि मोटर नहीं चलती तब भी सड़कों पर पानी रहता है, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। बार बार लगातार 3 साल से ये कार्य के बारे के अंदर आपसे अनुरोध किया जा रहा है। माननीय श्री सराफ साहब ने मौके पर जाकर देखा था, एस टी वो बंद पड़ा था, पंपिंग हाउस मोटर खराब थी, दोबारा चालू हुई तो नहीं हुई अभी आप पता लगेगा, जो ये 3 महीने के बाद ही बैठ गए। कमेटी गई थी उसकी वीडियो को सुन लेते पूरा साहब बहुत अलग अलग बात किया करते हैं जी। जरा कमेटी की बात माननीय मंत्री जी, पिछली बैठक में आपने आदेश दिए थे कि 2 सदस्य कष्ट निवारण समिति के श्री नंदलाल धानिया की और मेरी ड्यूटी जो लगाई थी, हमें तो बुलाया नहीं, मैं तो ऑफिस में गया, मुझे मेरी ड्यूटी जो लगाई थी हमने आपकी ड्यूटी नहीं लगाई, ये आपके आदेशों में
ये पिछले नहीं आपको मैं ऑफिस में गया था। नहीं आपने 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 किसने बोला ये बात? कार्यालय कार्यालय कौन कार्यालय में नाम बताओ जो कार्यालय में जाएंगे जो ग्रीनशील ब्रांच है उसमें मुझे साइन नहीं किया गया जी और आपने आदेश दिए थे सर ये मेरी भर्ती करके अपने आप में कर देते सर अधिकारी नहीं सर आपका तो काम सर आपसे तो भी लगता हूँ लेकिन सारी चीजें आपको भूल जाएंगे सर आपको डिपार्टमेंट में जहाँ ये ग्रीनशील के मामले ये बढ़ते हैं सर जहाँ से ये जो परिवार बढ़ते हैं तो आपकी ड्यूटी लगा सर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई बुलाया तो गया जी भाई किस समय बैठक है क्या है क्या एजेंडा है सर मुझे ये श्री नंदराम लगाई और गेरी ड्यूटी लगाई थी क्यों लगाई हमारे तो मेरी ड्यूटी लगाई थी नहीं आपके सामने की ड्यूटी जो लगाई थी हमारी क्या मैं रहेगी सदस्य आपने मुझे कोऑर्डिनेट करना दी ना आपने इनको बुला के संतुष्ट करना दी ना इनके ग्राम सेक्शन इनके एडमिशन कमेटी की मीटिंग में कहने लगा हूं तुम पत्री जी आप ये कह रहे हो नहीं बिल्कुल नहीं मैंने तो नहीं किया है मैंने भी कोई खिलाफ एक्शन नहीं बोला है सर मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मेरा धोला पतला कुर्ता फाड़ के सारा दिन आने जाऊंगा ये एमएलए सामने कहा था सामने बैठे आपके कंगेड़ा इसके साथ बोल भी नहीं था खराबी है ये बिल्कुल आप 100% बिल्कुल आपके खिलाफ एक्शन होगा बिल्कुल ठीक है और रिपोर्ट लेंगी उसके बाद इनका अगर कोई रिपोर्ट कर पाएगी तो खिलाफ एक्शन और भी हो जाएगी अप्रैल माह के अंदर सुरेश क्यों ने ये कहा था कि हम इनको एक महीने के अंदर अंदर पेमेंट दे देंगे ये बाद अखबारों के अंदर भी पूरा छपा हुआ अप्रैल का गया मई है सर हमारे पास जो प्रेजेंट में जो जो हमारे पास सर प्रोजेक्ट में जो पब्लिक की एप्लीकेशन आई हुई है सर हम 15 दिन के अंदर उन सभी पेमेंट कर देंगे 15 दिन के अंदर ये पेमेंट कर रहे हैं मूल दर्जा आगे उसके बाद ये भी
चार बरसात हो चुकी है और फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट में जाना, मुझे चारों की जांच रिपोर्ट दिलवा दे ताकि कोर्ट में आ उनकी पेंशन से काटे और आपका जुर्माना हुआ आदरणीय मंत्री जी हमारी संस्थान डाली के अंदर आए दिन से उतरे और मकान को बड़ी नजर बना रहा है वो सबसे अडवाइज है। नंबर दो जितनी भी गलियां हैं उसके अंदर मकान जो गली की चौड़ाई 8 फीट और लैट्रिन जो भी 4 फीट गलियां बनाए जाते हैं, जबकि कमेटी की तरफ से आर्डर है कि 14 इंच अपनी दीवार के साथ बनाया जाए। जो भी हमें चाहे वो नगर परिषद के हैं चाहे वो पब्लिक हेल्थ के हैं जो आपके मेन रोल है पूरे शहर में, अगर वो कोई सड़क से उठते हैं तो उनका लेवल सब का ठीक करना। अगली मीटिंग में जब आए हम तो उससे पहले ये सब कोई इस प्रकार की कोई शिकायत आए कोई मेन रोड सड़क से उठता ये पूरे शहर की शिकायत है आपको। इसके बाद कोई आपकी अलग से सप्लीमेंट्री कोई है विवादों को जो ट्रांसफर किए गए थे उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट की गई है। जैसे उसमें तिरंगा का मामला था शामला भूमि पे कब्जे था उसके ऊपर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, निर्माण कार्य उसी तरह से चला रहा है। इसी तरह किसान का मामला था आज हमारी गर्विंग्स कमेटी की मीटिंग थी और गर्विंग्स कमेटी की मीटिंग में 15 परिवाद लगे थे। 15 परिवाद में से 12 परिवाद डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं और 3 जो परिवाद हैं वो पेंडिंग रखे हैं और उनकी इंक्वायरी कोई डीसी साहब के पास कोई एसडीएम साहब के पास इस तरह कोई एडी साहब के पास सौंपी गई है और उनकी रिपोर्ट भी अगली मीटिंग तक वो रिपोर्ट हमें इसकी जो जानकारी है या कार्रवाई जो है इसकी कार्रवाई करके अगली जो मीटिंग है हमारे को रखने में मंत्री जी साहब जी जो आपकी कमेटी के मेंबर हैं उनकी भी शिकायत आई थी आप उनकी जिम्मेवारी लगा के उनकी भी सुनवाई नहीं होती तो आम दिन कैसे अपील करें। इस प्रकार की शिकायत हमारे सामने आई है और उसके खिलाफ जिस एक्शन ने हमारी कमेटी के जो मेंबर बनाए थे वो कमेटी के मेंबर नहीं बुलाए, मैंने डीसी साहब को कह दिया है वो इनके खिलाफ लिख के इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई लिख के हम उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेंगे। खिलाफ एक्शन लेने का अभी कुछ आदेश हुए हैं मैंने आपको बताया है अभी डीसी साहब को बोला है इनके खिलाफ जिन्होंने हमारी गर्वेसिस कमेटी में हमने कमेटी बनाई और उन जो गर्वेसिस कमेटी के जो मेंबर थे उनकी ड्यूटी लगाई वो उन्होंने नहीं बुलाया उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर एक विधि बोर्ड का मामला था जिसमें बताया गया कि जो चोरी का मामला दिखा रहा जो था तो उसमें बारे में क्या था उसमें एडीसी साहब की अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई थी और उसके कमेंट्स उनके जो बिजली विभाग के डिपार्टमेंट के खिलाफ आए हैं हमने उसमें ड्यूटी लगा दी है जो जिस अधिकारी जो दोषी था इसमें उस दोषी की पेंशन से वो पैसे काट करके उसका जुर्माना बनाया। जेजेपी के जिला प्रधान की भी काफी शिकायतें हैं वो भी हमारी शिकायतें हमने सुनी है और उन शिकायतों के निपटाने के लिए भी डीसी साहब को कहें
बेरोजगारी जो रोजगार आपके पास स्टार्टिंग उसको लेकर काफी सवाल उठते हैं, सवाल उठा रहा बेरोजगारी में नंबर वन हो गया हरियाणा। लगातार हरियाणा प्रदेश की सरकार है, जो हमारी गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, उनका हमेशा प्रयास ये रहता है रोजगार उनको तुरंत उपलब्ध करवाया जाए। हमने इस बात को लेकर के 75% का हम रोजगार का बिल भी लेकर के आए थे, लेकिन किसी कारणवश वो कोर्ट में लंबित है और उसके बावजूद भी हम प्रयास में लगे हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने की बात है या मानो सरकारी रोजगार देने की बात है, हमारी सरकार का प्रयास है कि रोजगार दूर से सर। जो महाराष्ट्र में मामला था उसी प्रकार का हरियाणा में बताया जा रहा है, जो जो विधायक वो बगावत कर रहे हैं पहले गौतम फिर पब्लिक से और अब जो सुबह वाला है वो कोई इस प्रकार का बयान किसी भी विधायक ने नहीं दिया है कि हम कोई पार्टी से नाराज है, वो छोटा मोटा कोई मनमोटा किसी को काम कर लेकर किसी का भी आपस में हो जाता है, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं। विधायकों को सुरक्षा देने की बात रखी गई है सर हरियाणा सरकार की तरफ? बिल्कुल निश्चित रूप से विधायकों को पहले भी सुरक्षा दी गई है और भी किसी प्रकार की कमी होगी तो वो भी सुरक्षा विधायकों को दी जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आदेश है, उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी आदेश है और जो हमारे स्पीकर है जो अध्यक्ष है विधानसभा के उनकी तरफ से भी। हरियाणा के विधायक है सुरक्षित है? बिल्कुल निश्चित रूप से सुरक्षित है, हरियाणा के विधायक भी, हरियाणा के आम लोग भी सुरक्षित हैं।